बहुत बड़ी खबर, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मोदी कैबिनेट में सबसे पहली कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक में ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है, मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला कि 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम फैसला मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये योजनाएं पहले से ही चली आ रही है और इन योजनाओं के तहत विकास कैसे देश में किया जाए, इस पर आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ये सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। तो 3 करोड़ ये संख्या बहुत ही अधिक है। और हमारे संवाददाता पटना से आनंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है पीएम आवास योजना को लेकर, प्रधानमंत्री की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर जगह जगह पर बनाए जाएंगे। देखिए सुबी, निश्चित तौर पे, और प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि पहले 100 दिन का एजेंडा उन्होंने तय कर लिया था कि इन 100 दिनों में उन्हें क्या कुछ करना है, और उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार देश कई नए फैसले देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। 3 करोड़ घर बनाने का मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री इसके पहले भी लगातार अपने चुनावी भाषण में कहा करते थे कि उनका लक्ष्य है कि देश में कोई भी बेघर न रहे, और 3 करोड़ का टारगेट उन्होंने सेट किया था और 3 करोड़ घर बनाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात, एक बड़ा फैसला है मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट का, एक बड़ा फैसला माना जाएगा और इसका सीधा असर उन लोगों पर होगा जिनके घर नहीं है, उन लोगों को घर मुहैया हो गया। और ये आनंद, अगर हम बात करें चुनावी जनसभाओं की, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार गरीबों का विकास, किसानों के विकास की चर्चा की जा रही थी। तो पहले किसान को लेकर फैसले लिए गए और अब जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए आश्रय नहीं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल सभी, आपने बिल्कुल सहा कहा। पहले उन्होंने किसानों को लेकर फैसला किया, उसके बाद अब गरीबों को लेकर फैसला किया। दो महत्वपूर्ण बात और भी हो सकती है कि आने वाले समय में महिलाओं को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पे भी युवाओं के लिए भी कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने 100 दिन का एजेंडा सेट किया था कि जैसे ही मेरी नई सरकार बनेगी, और 100 दिन का एजेंडा उन्होंने सेट करके अपने तमाम नए सहयोगियों को भी एक साफ साफ मैसेज दे दिया। चलिए आनंद, आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी, हम चर्चा लगातार करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता अमृति